आज मैं वीडियो बनाऊंगा शोल्डर के ऊपर, शोल्डर की बेहतरीन प्रेस ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए जिससे आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ पावर बढ़ती है और आपके शोल्डर का वॉल्यूम बढ़ता है। तो ट्रेनिंग दिखाऊंगा विपिन के थ्रू। विपिन जो अपना विपिन अपना ओलंपिया की तैयारी कर रहा है, ओलंपिया जो चल चुका है, और विपिन अपना 100+ में खेलेगा। वजन अभी चल रहा है कितना, 112। तो 100+ में खेलेगा और शोल्डर की मिल्ट्री प्रेस ट्रेनिंग और शोल्डर की कुछ ट्रेनिंग आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। शोल्डर का वर्कआउट शोल्डर का शॉर्ट करते हैं। चलो कमान 5-10 kg वेट बढ़ाना जरूरी है जिससे आपके शोल्डर पे लोड पड़े। चलो क्या ऐसे आपको इस वर्कआउट के एटलीस्ट 4 सेट्स करने हैं और 10 से 15 है। और अपने कितने हो चुके भैया, 4 सेट। चलो अब फ्रेंड्स चल सर ओके तो अपने 4 से 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। बाबा फ्रंट शोल्डर पे स्मिथ मशीन दी, चल इसको थोड़ा पीछे का बैठ। तो अपना फ्रंट शोल्डर की हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं स्मिथ मशीन से। इसमें इंपॉर्टेंट है आपको चेस्ट को बेंच पे लगाना ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट और प्रेशर सिर्फ आपके शोल्डर से लगे। चलो कमान 3 से 4 पूरा 3-4 पूरा 5-6-7 पूरा 8-9-10-11-12-13-14 आया बहुत बढ़िया। चलो 1 पूरा पर 2-3-4 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 आपको अच्छे गेन करने के लिए, बॉडी वेट गेन करने के लिए अपनी डाइट बताएगा तुम कैसे क्या खाता थी भाई? आपने बोले आलू की रोटी, दूध तो हमने बना कर रखा था, अंडे चिकन ठीक है, मटन ज़्यादा आलू की रोटी पे। तो आलू की रोटी खाइए जो आपने बताइए, घर का खाना खाया सारा। तो आलू के पराठे नहीं, आलू की रोटी आपको गेन करने में काफी हेल्प करती है। और कितना गेन करा इस सीजन में? भाई 22 किलो। 22 किलो एक तीन महीने में, 3 महीने हो गए, 3 महीने 22 किलो मसल गेन। बट खाना पड़ता है यार, ऐसे नहीं है, 20-20 रोटी खानी पड़ती है भाई। तो लास्ट सेट अपना शोल्डर का चेस्ट लगा के रखिए। चल हाँ, और चीन से ऊपर पूरा 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-2 more 11 more stop very good। अब आपको शोल्डर की 30 एक्सरसाइज पे लेके चलते हैं। शोल्डर डंबल प्रेस और मारने कैसे ये भी दिखाते हैं। चल रहे इसलिए चलते हैं। स्टॉप बस पे पूरा। तो ऐसे शोल्डर डंबल प्रेस मार के ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। मज़ा आ रहा है भाई? आ रहा है, टैग इतने बड़े हो गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम वेट बढ़ाना है। पूरा
टू ऊपर जा, थ्री ऊपर जा, फोर फाइव चल, सिक्स सेवन चल, एट नाइन टेन चल, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन कम ऑन फोर्टीन फिफ्टीन स्टॉप। और लास्ट सेट है, लास्ट सेट में भी बढ़ा, ठीक है चलो तीन सेट अपने शोल्डर बैठ गया कमर। बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, साइड रेसिस। चल हाँ, यहाँ से देख, एल्बो एल्बो ट्राइसेप्स और शोल्डर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट अप, कम ऑन अप और ऊपर, कम ऑन, यस चल शाबाश, 15 से 20 रहे, चल बहुत बढ़िया, चल शाबाश, कम ऑन, यस 20 शाबाश, वेरी गुड, रख दे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है अपने डेल्ट की डेफिनेशन के लिए। साइड रेस जितना आप हैवी मारोगे, जितनी टेक्निक से मारोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपका डेल्टॉइड का फेस बड़ा होगा। तो लगा मजा आ रहा है जी। तो करते हैं अभी और इसके चार सेट, 15 से 20 रैप, और वेट को बढ़ाते रहना, हर सेट में वेट बढ़ाना है, 2.5 किलो ही सही लेकिन वेट बढ़ाना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। चल 7.5 से मारो, चल टू चल थ्री वन फोर चल फाइव एट दे सिक्स सेवन चलो एट चलो नाइन टेन वन इलेवन ऊपर दे ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन घमो स्टॉप तो भाई अपनी ओलंपिक की टीम के लिए पूरी पूरी मेहनत चल रही है, देखो भाई कौन लेके आता मेडल, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं और मेहनत तो रोल कर रहे हैं। तो दो सेट हो गए अपने, दो सेट और बच्चे ऐसे ही गए, ठीक है ना, फोर ऐसे फोर चलो। तो अपना लास्ट सेट है और लास्ट सेट मैं कोशिश करता हूँ कि लड़कों को हैवी वेट से नीचे ले जाऊँ, यानी कि ड्रॉप सेट। तो लास्ट सेट साइड मारेंगे ड्रॉप सेट, चलो वन वन, और हर सेट में 10-10 रैप है, टू फोर फाइव सिक्स वन सेवन चल एट नाइन वन मोर स्टॉप, तीन नंबर 10:30 चल उठा वन चल वन टू उठा थ्री चल फोर चल फाइव वन सिक्स सेवन चल एट नाइन वन मोर टेन ओके वन चल वन टू थ्री चल फोर फाइव चल सिक्स सेवन चल एट वन नाइन घुमो ओके स्टॉप हो एक्सप्लोर दबा दबा यस हो हो अपने शोल्डर कवर का तो हम यहीं खत्म करते हैं। जरूरी नहीं है गेनिंग में आपको सारी एक्सरसाइज करनी, गेनिंग में कम एक्सरसाइज रेपिटेशन और वेट पे ज़्यादा ध्यान देना, मतलब रेपिटेशन कम और वेट ज़्यादा, और डाइट खानी है बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये खाता है उल्टी हो जाए लेकिन खाते रहो, जबरदस्ती जबरदस्ती खाओगे तो ही वेट गेन कराओगे। लोग कहते हैं वेट गेन नहीं होता, नहीं होता नहीं होता, क्योंकि आप डाइट नहीं खाते हो इसलिए नहीं होता। डाइट में आलू की रोटी वगैरह ये सब खाता है, सब कुछ, फैट नहीं बढ़ेगा, अच्छी मेहनत करोगे तो, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना ताकि लोगों को सीखने को मिले, इसलिए बस।